गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, इसका रीड कर रहे थे, और आज हमें उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स का मीन्स, जैसे हमने किसी भी नाम से फाइल या फोल्डर को सेव किया है, तो हम लोग अगर उस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी समय हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ए फाइल और फोल्डर कैन बी रीनेम्ड वंस दे आर क्रिएटेड और एनी टाइम लेटर। जो भी फाइल और फोल्डर हमने बनाया हुआ है, अगर हम लोग उससे रीनेम करना चाहते हैं फिर से, तो हम लोग उसे किसी भी टाइम से कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स फॉर रीनेमिंग फाइल और फोल्डर, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे रीनेम करने के लिए। सबसे पहले सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, अपने फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रेस द राइट माउस बटन, जो माउस के राइट बटन को प्रेस करेंगे, सब मेन्यू विल डिस्प्ले, सब मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लिक द रिमेन ऑप्शन, रिमेन ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। द नेम ऑफ द फाइल फोल्डर गेट्स द कर्सर वेटिंग टू मेक चेंज, जब रीनेम ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होने लगेगा, नेम ऑफ द फाइल या फोल्डर चेंज करने के लिए मीन्स वहाँ पे कर्सर वेट करेगा। ठीक है, कि कब चेंज कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग। टाइप द डिज़ायर्ड नेम एंड प्रेस एंटर की, जो भी हमें नेम अपने इच्छा से जो भी हमें नाम फिर टाइप करना है वो हम लोग टाइप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एंटर की को प्रेस कर देंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने जो पुराने नाम से फाइल को या फोल्डर को सेव किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, उसे रिक्रिएट कर देंगे। ठीक है, मीन्स रीनेम कर देंगे, नया नाम उसे दे देंगे। ओके, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को कॉपी कैसे करेंगे। ए फाइल एंड फोल्डर कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग फाइल और फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कंप्यूटर में। ठीक है, टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर टू अनदर फोल्डर स्टेप्स आर, जब हम लोग किसी भी कॉपी या फिर फोल्डर को दूसरे फोल्डर में लेके जाना है, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या, कौन कौन से फॉलो करने होंगे। सबसे पहले सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, हमें फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन, राइट क्लिक करना होगा और फिर सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड लोकेशन टू पेस्ट कॉपीड फाइल और फोल्डर, फिर उसके बाद हम लोग जो भी जिस लोकेशन में ले जाना चाहते हैं फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फाइल और फोल्डर को पेस्ट और कॉपी कर देंगे। ठीक है, ऑन ब्लैंक एरिया राइट क्लिक द माउस, फिर जो ब्लैंक एरिया आएगा, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक द माउस, राइट क्लिक करेंगे माउस का और फिर सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे पेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अल्टरनेटिवली वी कैन कॉपी अ फाइल और फोल्डर बाय सेलेक्टिंग इट, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करके और एंड प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस सी कीज साइमल्टेनियसली, या फिर कंट्रोल प्लस सी कीज़ को उसी समय प्रेस करके। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से फॉर पेस्टिंग द फाइल और फोल्डर कंट्रोल प्लस वी कीज़ आर यूज्ड, किसी भी फाइल और फोल्डर को पेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा कीज़ यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, देन अब हम लोग पढ़ेंगे मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, वी कैन मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, हम लोग फाइल फोल्डर को मूव भी करा सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। ठीक है, स्टेप क्या क्या होंगे, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, सबसे पहले फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट कट ऑप्शन, राइट क्लिक करके फिर हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कट ऑप्शन, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड लोकेशन टू पेस्ट द फाइल और फोल्डर, फिर उसके बाद जो भी जिस लोकेशन पे हमें पेस्ट करना है वो हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करेंगे अपने फाइल और फोल्डर को पेस्ट करने के लिए। ऑन ब्लैंक एरिया, ब्लैंक एरिया जब आ जाएगा राइट क्लिक द माउस एंड सेलेक्ट
पेस्ट ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे माउस का और फिर सेलेक्ट करेंगे पेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अल्टरनेटिवली वी कैन मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन बाय सेलेक्टिंग इट एंड प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एक्स कीज सिमल्टेनियसली। हम लोग फाइल और फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इसे सेलेक्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं और फिर प्रेस करके भी कर सकते हैं। क्या हम लोग प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स कीज़ को हम लोग प्रेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर पेस्टिंग द फाइल और फोल्डर, ठीक है, फाइल और फोल्डर को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी कीज़ आर यूज्ड, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी कीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इन द सर्च ऑप्शन इन विंडो XP हेल्प्स टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द कंप्यूटर। जो सर्च ऑप्शन होता है विंडोज़ XP पे, वो हमें हेल्प करता है कि हम लोग कंप्यूटर पर अपने फाइल और फोल्डर्स को सर्च कर सके, ठीक है, ढूंढ सके। तो उसके लिए टू ओपन सर्च पेन, ओपन करना पड़ेगा हमें सर्च पेन को। सेलेक्ट सर्च ऑप्शन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू से हमें सर्च ऑप्शन पे सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड है द सर्च डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। सर्च डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होने लगेगा। ऑन द लेफ्ट ऑफ द सर्च विंडो इज द सर्च कंपेनियन, और लेफ्ट में सर्च विंडो, ऑन द लेफ्ट ऑफ द सर्च विंडो के लेफ्ट साइड पे सर्च कंपेनियन रहेगा, ठीक है। फिर थर्ड है क्लिक द ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑप्शन। फिर हमें क्लिक करना होगा ऑल फाइल्स या फोल्डर्स ऑप्शन पे, ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन नेक्स्ट है स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर टू बी सर्च्ड। जिस नाम से हमने फाइल या फोल्डर को सेव किया था उससे, उस नाम को हम लोग वहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। क्लिक द सर्च बटन व्हेन विंडोज फिनिश सर्च। फिर हम लोग को क्या करना होगा, सर्च बटन को क्लिक करना होगा जब विंडो क्या करेगा, अपना सर्च पूरा कर लेगा। ऑल ऑफ द फाइल्स दैट मीट सर्च क्राइटेरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द सर्च विंडो विल अपीयर। तो जो भी हमने फाइल्स को, जो भी हमने सर्च का क्राइटेरिया था फाइल्स का, ठीक है, वो राइट साइड पे शो करने लगेगा सर्च विंडो पे, ठीक है। डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कैसे करेंगे हम लोग? अनवांटेड फाइल और फोल्डर कैन बी डिलीटेड इन विंडोज़। जो भी हम, हमारी ज़रूरत का नहीं है फाइल और फोल्डर, उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं विंडोज़ पे, ठीक है। टू डिलीट एनी फाइल और फोल्डर स्टेप्स कौन कौन से होंगे? अब अगर हमें फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे? सेलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन ऑन द शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक करना होगा और फिर सेलेक्ट करना होगा डिलीट ऑप्शन शॉर्टकट मेन्यू से, ठीक है। विंडो XP विल आस्क फॉर कन्फर्मेशन बिफोर डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर्स। विंडो XP वो पूछेगा कन्फर्मेशन मीन्स कन्फर्म इस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा फाइल और फोल्डर को डिलीट करने से पहले। क्लिक येस टू डिलीट फाइल, अदरवाइज क्लिक नो। अगर हमें फाइल को डिलीट करना है तो हम लोग येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर नहीं करना है तो हमें नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। रिसाइकल बीन, नेक्स्ट टॉपिक रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन स्टोर्स ऑल द डिलीटेड आइटम्स। रिसाइकल बीन क्या स्टोर करता है? जितने भी डिलीटेड आइटम्स होते हैं उन्हें स्टोर करके रखा रहता है। द रिसाइकल बीन लुक्स लाइक अ वेस्ट बास्केट। रिसाइकल बिन कैसे दिखता है? एक वेस्ट बास्केट की तरह दिखता है। एंड इट डिस्प्लेड द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर। और वो डिस्प्ले करता है फाइल्स और फोल्डर्स को जो जो कि कंप्यूटर से डिलीट हो चुका है, ठीक है। इफ़ वी डिलीट द फाइल बाय मिस्टेक इट कैन बी रिस्टोर्ड बाय क्लिकिंग द रिस्टोर ऑप्शन। अगर हमसे फाइल मिस्टेक बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है तो हम लोग उसे रिस्टोर कर सकते हैं रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन इज़ यूज टू डिलीट द फाइल्स एंड फोल्डर्स परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ होता है? कि फाइल्स और फोल्डर्स को परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट करने के लिए, ठीक है।
विंडोज़ 7 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 7 इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फॉर यूज़ ऑन पर्सनल कंप्यूटर। विंडोज़ 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यूज़ करने के लिए बनाया है पर्सनल कंप्यूटर पे, ठीक है। विथ इट्स न्यू इम्प्रूव्ड फीचर, जो भी उसका नया इम्प्रूव फीचर आया हुआ है, इट अलाउज़ यूज़र टू इन्जॉय वेरियस बेनिफिट्स एंड एडवांटेज। जो भी उसका नया फीचर है वो यूज़र को अलाउ करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस उसमें मिलते हैं, जैसे कि क्विकर सर्च रिजल्ट होता है, कस्टमाइज्ड टास्क बार होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो इनेबल्स टू मैनेज मल्टीपल ईमेल अकाउंट। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और भी क्या करता है, मैनेज करता है मल्टीपल ईमेल अकाउंट एंड टर्न फोटोज़ एंड वीडियो इनटू स्लाइड शो, और फोटोज़ और वीडियोज़ को स्लाइड शो में भी बदलता है, ठीक है। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, और आगे का इसका टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसे रीड करिए, और डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ XP एंड विंडोज़ 7 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।